दोस्तों, क्या आपको इयररिंग्स पहनना पसंद है? अगर हाँ तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ कि इयररिंग्स कैसे बनाते हैं, लेकिन एक इंट्रो के बाद। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिंदास बबली। आज मैं आपको इयररिंग्स बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत सिंपल होते हैं। मैंने यहाँ पर बनाना लीफ के शेप का मेटल चार्म्स लिया है, जिस पे मैं एक ईयर हुप लगाने वाली हूँ, एंड दैट इज इट। वो इतना सिंपल है। बोलते हैं नोज प्लायर, जिससे हम किसी भी राउंड शेप में मेटल वायर को फोल्ड कर सकते हैं। इस प्लायर के हेल्प से मैं कुछ इस तरीके से वो चार्म को मैं हुप में डालूंगी। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से हुप में एक गैप बनाया है, जिससे मैं अपने चार्म को उस हुप में डाल सकती हूँ। और बस डन, आपका एक इयररिंग तो बन गया। इतना सिंपल होता है इयररिंग बनाना। और सोचिए, आप ये सारी चीजें 50, 60, 100 रुपए देकर दुकान से खरीदते हैं, तो अभी से ना अपने लिए कस्टमाइज्ड इयररिंग्स बनाइए और खुद बनाइए। कैसे? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इन सारे प्रोडक्ट्स का, आप वहां से देख सकते हैं। हमारे सेकेंड इयररिंग के लिए मैंने यहाँ पर ग्लास बॉल्स लिए हैं, और इसको बोलते हैं कैप, बीच कैप। इन सबको हम एक आई पिन में अरेंज करने वाले हैं और अपना इयररिंग बनाने वाले हैं, कुछ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक कटिंग प्लायर लिया हुआ है, जिससे मैं जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है आई पिन का, उसको कट करके रिमूव कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं एक नोज प्लायर के हेल्प से हम कैसे इसको एक राउंड शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्लावर चार्म लिया हुआ है, जिसको मैं नीचे की तरफ लगा दूंगी, ताकि वो मेरे इयररिंग का डैंगल बने। और लास्ट एंड फाइनल स्टेप, ईयर हुप डन। ये देखिए, आपका सेकेंड इयररिंग भी बन गया। इजी है ना? तो ट्राई करो, बहुत मजा आता है इसको बनाने में। चलिए मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ, जिसके लिए मैंने पर्पल बीट्स लिए हैं, और इसको बोलते हैं हेड पिन। इसी के लिए आपके पिन जैसा होता है, जिसका एंड फ्लैट होता है। यहाँ पर जब आप अपने बीट कैप लगाएंगे तो वो उस एंड में स्टक हो जाएगा। बस एक चीज याद रखना, इसके नीचे आप और कुछ नहीं लगा सकते। अगर आपको नीचे कुछ बैंगल्स लगाने हैं तो आपको आई पिन लेना है, और नीचे अगर आपको एंड करना है तो आपको पिन हेड लेना है। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। और देखो, आपसे बात करते करते मेरा तीसरा इयररिंग भी बन गया। ओके, ये ना मैं आपको लास्ट इयररिंग बताने वाली हूँ इस वीडियो के लिए। फ्यूचर में तो मैं आपको बहुत सारे और इयररिंग्स बताऊंगी। चलो रिवाइज करते हैं। यहाँ पर हमने क्या क्या लिया? एक आई पिन, बीट कैप, ग्लास बॉल, कुछ चार्म्स, पर्ल और हुप। बचपन में हम ऐसे ही रखते थे ना, हंसते खेलते जब आपका क्राफ्ट बन जाए। और क्या चाहिए? सारे इयररिंग्स बनाने के प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, बस आप इसमें कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं वो ही डिफर कर रहा है। अच्छा, एक और चीज, अगर आप कैलकटा में रहते हैं ना, तो प्लीज ये सारे सामान ऑनलाइन मत खरीदिएगा। गरियाहाट जाइए, बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ऑनलाइन में थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। मैंने ये सारी चीजें ना गरियाहाट से ही लिया था, बट मैं ऑनलाइन से ढूंढ के आपके लिए लिंक दे रही हूँ। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने अपने सारे इयररिंग्स बना लिए हैं। अब तो मैं रोज नए नए इयररिंग्स पहन के स्कूल जाऊंगी। अच्छा, आप ये मत समझिएगा कि मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। आप भी अपने लिए इस तरीके से मजेदार इयररिंग्स बनाइए, कस्टमाइज्ड इयररिंग्स बनाइए, और मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपको पता है ना आपको क्या करना है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, जल्दी। थैंक यू।